हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ग्रामर सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है पास्ट ऑफ स्पीच। हम प्रयास करेंगे कि जितना आसान से आसान भाषा में आप सबको समझा सकें। तो चलिए कुछ जानते हैं इंट्रो पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पास्ट ऑफ स्पीच शब्दों का वाक्य में अपने कार्य के अनुसार विभाजन पास्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दों का वाक्य में अपने कार्य के अनुसार, मतलब अपने कार्य के अनुसार जो विभाजन करता है उसे हम पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए इसका एक परिभाषा जान लेते हैं। पास्ट ऑफ स्पीच का तो लिख लेते हैं हम सब, अच्छा रहेगा। शब्दों का वाक्य में अपने कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। चलिए अब इनका इंग्लिश में जान लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं, द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। ये भी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। द डिवीजन्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब कुछ और जानते हैं इसके बारे में कि पास्ट ऑफ स्पीच के पार्ट ऑफ स्पीच सॉरी पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। किस आधार पे? अंग्रेजी भाषा में जितने वर्ड हैं वे कार्य एवं अर्थ के अनुसार सिर्फ 8 ही प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी वर्ड के अनुसार मतलब सिर्फ 8 ही हैं। तो कौन कौन है जानते हैं? एक में है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन का सर्वनाम। सबको एक एक कर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देख लेते हैं कहाँ तक कर पाते हैं आज। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, वर्ब का क्रिया,
एडवर्ब का क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन का देखते हैं क्या होता है। संबंध सूचक होता है। कंजक्शन का संयोजक। इंटरजेक्शन का विस्म आदिबोधक। तो आठों प्रकार हम जान गए। अब हम इनके पहला पार्ट जो है नाउन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है क्या? नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किस किस चीज़ को हम नाउन कह सकते हैं? जैसे कि अमर, ये क्या है? एक आदमी का नाम है। आदमी का नाम है। उसी तरह मान लो कौ, या एक जानवर के नाम है। पटना, या एक स्थान के नाम है। बुक, या एक वस्तु का नाम है। इंडिया, एक देश का नाम है। चीन, एक देश का नाम है। इससे हमें क्या अनुभव होता है? दुनिया में कोई भी वस्तु है, अगर उनका कोई ना कोई नाम है तो उसे हम नाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर
अगला प्रोनाउन का वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है।